मैं हूं स्मेल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। रोडवेज बस अड्डा और बिहार घाट बस अड्डा संचालन शुरू करने की आदेश जारी। बहराइच जनपद, बहराइच जनपद की जिलाधिकारी शंभु कुमार व पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार निशा महोदय द्वारा रोडवेज बस अड्डे पर जिला घाट बस अड्डे पर बसों का संचालन शुरू होने से पहले ही निरीक्षण किया गया है। इस दौरान मौके पर ही कोविड-19 कोरोना से बचाव हेतु किए गए सुरक्षा के उपाय का भी जायजा लिया गया है। नमस्कार, मैं उस्मैल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। पुलिस प्रशासन ने किया पैदल मार्च। उत्तर प्रदेश बहराइच जिले के ननपारा बाजार में पुलिस द्वारा किए गए पैदल मार्च में कोतवाली ननपारे के समस्त पुलिस अधिकारी ननपारा कोतवाली से कटी चौराहा तक पैदल मार्च करके बाजार का जायजा लिया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया और दुकानदारों को हिदायत दी गई कि दुकान पर भीड़ न लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। राजीव कुमार सिंह के साथ स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं उस्मैल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। तो इसमें क्वारंटाइन कोई क्यों नहीं कराएगा? एक ही लोग हुए, एक लोग हुए। और कितने दिन हो गया, कुल टोटल कितने हुए? हाँ, पांच लोग हैं। किसी को क्वारंटाइन नहीं कराएगा? वो तो होंगे, लेकिन बाकी कर्मचारियों को नहीं कराएगा। ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, आरक्षित में रहते थे और एक आरक्षित में निकला है, लेकिन किसी कोई सील नहीं किया गया है। सैनिटाइज पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सैनिटाइज किया गया है, जिलाधिकारी से मेरी बात हुई थी, उनका कहना है सैनिटाइज किया गया है, लेकिन प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। किसी कर्मचारी को क्वारंटाइन नहीं कराया गया है और इन लोग जान जोखिम डालकर 24 घंटा कोरोना योद्धा की तरह जो है ड्यूटी कर रहे हैं। इसमें जनता भी आती है, काफी लोग संक्रमित हो सकते हैं। सैंपल भेजा गया है, कुछ लोगों की रिपोर्ट आने बाकी है। नमस्कार, मैं उस्मैल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। उसमें क्या हुआ? हाँ, व्यापारियों ने अपनी समस्याएं हम लोगों के सामने रखी थी, उद्योग व्यापार मंडल के सामने। उनकी समस्या ये थी कि दुकानों को अब तक जो खोला जा रहा था उसका समय जो है 9 बजे से सुबह 7 बजे से दिन में 3 बजे तक रखा गया था। इससे दिक्कत थी लोगों को। समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें बसंत सेठ जी भी थे, हमारे महामंत्री नवीन अग्रवाल जी भी थे, इरफान अजीज खान एडवोकेट थे और गणेश प्रसाद गुप्ता भी थे, तो हम लोगों ने ये सुझाव रखा है एडीएम महोदय के सामने कि आप जो है दुकान का समय जो है प्रातः 9 बजे से शाम को 5 बजे तक कर दिया जाए। तो उन्होंने इस पर अपनी सहमति जताते हुए और इसका आदेश उन्होंने कर दिया कि ठीक है, आप दुकानें जो है प्रातः 9 से शाम 5 बजे तक खोलिए, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। कोई भी ग्राहक अगर आपके दुकान पर बिना मास्क के आता है तो उसको सामान रख दिया जाए और आप दुकानदार स्वयं मास्क लगावे, दुकान में सैनिटाइजर रखे, हैंड ग्लव्स का प्रयोग करें और दुकान के बाहर एक बाल्टी में पानी और जो है साबुन जरूर रखें ताकि ग्राहकों को उससे
सैनिटाइज किया जा सके। तो कल से दुकानें 7 से 5 खुलेगा? कल से दुकानें जो है प्रातः 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खुलेंगी। 9 बजे से? 9 बजे। और कुछ जो ठेला खुमची वाले उनके लिए क्या आप सोचे? ठेला खुमची वालों के लिए भी हम लोगों ने बात किया है, वो ठेला खुमची वाले भी इसी समय जो है प्रातः 9 से वो शाम को 5 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ठेला खुमचे वाले उसे मतलब 5 बजे के बाद भी अपना ठेला खुमचा से बिक्री कर सकते हैं। ठेला खुमचे 5 बजे बाद भी कर सकते हैं? हाँ। नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रवस्थित थे उत्तर प्रदेश सरावस्थित जनपद के थाना मलिपुर मलिपुर गांव निवासी फूलचंद नाम व्यक्ति जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष से 45 वर्ष कल रात में अपने घर से 11 बजे कहीं चले गए थे। आज सुबह समय करीब 11 बजे लोगों ने देखा कि फूलचंद के डेड बॉडी सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। घटना सब की जानकारी ग्रामीणों द्वारा पुलिस प्रशासन को दी गई। अनुपालन में पुलिस प्रशासन टीम मौके पर पहुंचकर तुरंत निरीक्षण कर दो को अपने हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आशा करते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा हत्यारों को पता लगाकर इंसाफ को मिलेगा। करीब 40 से 45 साल के बीच है, ये मल्लीपुर के निवासी हैं। कल रात में ये 11 बजे अपने घर से कहीं चले गए थे। आज सुबह करीब 6 बजे लोगों ने देखा कि इनकी डेड बॉडी सड़क के किनारे पड़ी हुई है। घटनास्थल पर पुलिस की टीम द्वारा तुरंत पहुंचकर और पुलिस के अधिकारी द्वारा पहुंचकर निरीक्षण किया गया। FSL की टीम को वहां भेजा गया और जो भी आवश्यक कार्रवाई है इसके संबंध में की जा रही है। कुछ लोगों को हमने पूछताछ के लिए थाने पर रखा है और शीघ्र इस घटना का निवारण करने का प्रयास किया जा रहा है।